जिला निर्वाचन अधिकारी टिहरी गढ़वाल युवा आशीष श्रीवास्तव के मार्गदर्शन व उप जिला निर्वाचन अधिकारी टिहरी गढ़वाल रामजी शरण शर्मा की उपस्थिति में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के स्वतंत्र निष्पक्ष सफल संपन्नार्थ आज NIC सभागार नई टिहरी में EVM एवं VVPAT मशीनों के प्रथम चरण का रेंडमाइजेशन किया गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी टिहरी गढ़वाल रामजी शरण शर्मा ने कहा कि EVM व VVPAT मशीनों के प्रथम चरण का रेंडमाइजेशन भारत सरकार के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया गया है। उन्होंने बताया कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से जनपद की 6 विधानसभा क्षेत्रों में EVM व VVPAT मशीनों का प्रथम रेंडमाइजेशन कर सूची तैयार कर दी गई है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि किस किस नंबर की EVM व VVPAT मशीन किस किस विधानसभा क्षेत्र में जाएगी। कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को पालन कराने के लिए बैरिकेटिंग वगैरह लगा दी है। जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके साथ बैठक हुई, उसमें भी सभी को अवगत करा दिया गया कि एक नामांकन के समय एक उम्मीदवार अपने साथ अधिकतम 2 लोगों को लेकर आ सकता है। इसका मतलब यह है कि कुल 3 लोग ही नामांकन के दौरान उपस्थित रह सकते हैं। एक भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सभी उम्मीदवारों के लिए मतदाता ऐप भी बनाया गया है, वो चाहे तो इस ऐप के माध्यम से अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली उन्हें फॉर्म जमा करने के लिए आना पड़ेगा। इस तरीके से कोरोना में संक्रमण को बचाव करने के लिए न केवल कर्मचारियों को बल्कि उम्मीदवारों की भी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो रूट प्लान है वो भी तैयार किया गया है, ताकि जब नामांकन के लिए लोग आते हैं तो उस समय भीड़ भड़ाका ना हो और जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम इत्यादि की भी परेशानी ना हो।